हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। और आज है वीकेंड और रेसिपी डे भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए सर्दियों के लिए एक बेस्ट रेसिपी लेके आएं। तो बात अगर सर्दियों की करें तो सूप से ज़्यादा बेस्ट और क्या हो सकता है, क्योंकि सूप जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है और विंटर्स में ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। छोटे बड़े सबके लिए ही ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ होममेड सूप। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ अपने घर पे ही बनाऊँ, होममेड ही बनाऊँ। तो आज जो मैं सूप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी मेरा होममेड सूप है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे। तो सूप बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, जो वेजिटेबल्स हमें चाहिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे सूप के लिए आपको जो भी पसंद हो आप वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि विंटर्स में हमारे पास प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत सारी सब्जियाँ आती हैं, तो आप जो सब्जी पसंद करते हैं आप उन सब्जी को इसमें डाल सकते हैं। ये वेजिटेबल सूप है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है कटिंग स्प्रिंग अनियंस यानी कि हरी प्याज। उसके बाद मैंने इसमें लिया है गाजर, मशरूम, बीन्स और कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, और बीच में आप ये दे सकते हैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये इन सब चीज़ों को मैंने बहुत बारीक बारीक छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं मटर और ये है पत्ता गोभी, और उसके साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ती है ये कॉर्नफ्लावर वाटर की, इसको हिंदी में हम लोग आरारोट भी कहते हैं। इसको पानी में थोड़ा सा घोल के रखा हुआ है। उसके बाद इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर और ये बटर की। तो चलिए सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे और इसके बाद हम इसमें बटर डालेंगे। ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है बटर। जैसे ही ये बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो बटर ये मेल्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज, और इसको हम करेंगे हल्का हल्का सौते। हमें इसको फ्राई नहीं करना है, बस इसे बहुत ही हल्का हल्का सौते करना है, हल्का हल्का सा इसे करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बीन्स। हमने इसमें बीन्स ऐड कर लिए। बीन्स को भी हम ऐसे ही हल्का हल्का सौते करेंगे। बीन्स ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। हमने इसमें गाजर ऐड कर दिए, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये लहसुन और अदरक का पेस्ट। कुछ देर तक हम इसे ऐसे ही सौते कर, अब इसको थोड़ी देर सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये पत्ता गोभी। थोड़ा सा इसे हम लोग ऐसे हल्का हल्का चलाते रहेंगे। इसके बाद हम इसे इसमें ऐड करेंगे मशरूम।
गाइस आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीज़न में मिल जाती हैं, और इसीलिए मैंने जो जो सब्ज़ी सीजनल है वो सब इसमें ऐड की हैं। अब इसको भी थोड़ा सा सौते होने देंगे हम, और अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। ये सारी वेजिटेबल्स वन बाय वन ऐड करनी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हर वेजिटेबल को इसमें सौते करना है। अगर हम सारी वेजिटेबल्स एक साथ डाल देंगे तो वो कुछ वेजिटेबल्स इसमें वो होती हैं जो वाटरी होती हैं, जो पानी छोड़ती हैं, तो कोई भी वेजिटेबल फिर ढंग से सौते नहीं हो पाएगी। इसीलिए सारी वेजिटेबल्स को हम वन बाय वन ही इसमें डालेंगे। अब हमारे इसमें मटर डल चुका है, एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। वाटर की कंसिस्टेंसी आप अपनी वेजिटेबल के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आपने इसमें वेजीज ली हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपको कितना वाटर इसमें चलेगा। हमने इसमें ऐड कर दिया है वाटर, अब इसमें एक उबाल आने तक हमें वेट करना है। अब आप देख सकते हैं इसमें आ चुका है उबाल, और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये हमने इसमें ऐड किया नमक, और हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। इसे स्टिर कर देंगे। अब जो हमने कॉर्नफ्लावर वाटर बनाया था उस कॉर्नफ्लावर वाटर को भी हम इसमें अब ऐड कर देंगे। स्टिर कर देंगे। और अब हम इसको कर देंगे कुछ देर के लिए कवर। 2 मिनट तक ढक के पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये हरी प्याज की ऊपर की पत्तियाँ। पहले जो हमने प्याज ऐड की थी वो नीचे की जड़ वाला पॉइंट था, और अब जो हम ऐड करेंगे ये ऊपर की पत्तियाँ हैं, और हम इसमें ऐड करेंगे ये शिमला मिर्च। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये तेज पत्ता। हो चुका है हमारा सूप रेडी सर्व करने के लिए, तो आइए सूप को सर्व करते हैं। तो ये रेडी हो चुका है हमारा वेजिटेबल सूप, प्योरली होममेड। तो गाइस इस तरीके से आप सूप बना सकते हैं।